वाह भाई वाह, आज क्या बात है जो इतने लाड हो रहे हैं दादी के। अम्मा भी इस घर में आप ही तो हैं जो हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। हाँ भैया, ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। भाई ये वाला मुहावरा मुझे आज तक नहीं समझ में आया। भाई इसमें मुश्किल बात क्या है? अब देखो, इंसान औलाद से अपनी मोहब्बत करता है ना, तो जब आगे से उसकी औलाद होती है तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, जैसी दादी को तुमसे है और तुमसे है। अच्छा अब मैं समझी, तभी आप हमें अम्मी और अब्बू से ज्यादा प्यार करती हैं। महानूर वैसे तुम इतनी डफर हो, तुम्हें इतना सा मुहावरा समझ नहीं आ रहा था। मुझे डफर मत बोलो अच्छा, वरना तुम्हारे वो नाम लूंगी जो बचपन में तुम्हारे दोस्त में बुलाते थे। बताओ 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 कौन से नाम करवाओ याद, पता नहीं क्या क्या बोलते थे, छिपकली। अच्छा बस ना बस, अब इस बहस में पड़ गए तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। ये बेटा, बहनें तो इतनी पक्की गहरी सहेलियां होती हैं कि उनको तो कभी कोई जुदा कर ही नहीं सकता। अम्मा भी तो फिर आ रहा ऐसे क्यों नहीं अपनी बहन के साथ? हाँ वो कोई मौका नहीं जाने देती अम्मी को और हमें परेशान करने में। फिर कुछ हुआ क्या? अम्मा भी वो आरा ने ना अम्मी से हम दोनों की शिकायत लगाई है, और उसकी वजह से अम्मी ने हमें बहुत डांटा है, यहाँ तक कि इसका तो कॉलेज जाना भी बंद कर दिया है। पता नहीं आरा ऐसे क्यों करती है, आप भी तो हमसे इतनी मोहब्बत करती है, वो क्यों नहीं कर सकती हमसे इतना प्यार? अच्छा भाई अपने दिल में बदगुमानी मत लाओ, उसे नारा भी तुमसे बहुत प्यार करती है, और तुम्हारी माँ वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है, और तुम्हारी अच्छी से अच्छी तरबियत करने की कोशिश करती है। मगर देखो ये लड़कियों के मामले में थोड़ा सा मोहतात होना पड़ता है। अब हुसैन आरा ने जितनी तल्ख जिंदगी गुजारी है ना, जितनी सख्तियां सही हैं, वो हर उसकी हरकत में हर बात में नजर आती। भैया उसको इतनी आज़ादी नहीं थी जितनी तुम लोगों को है। आज़ादी? इसे कहते हैं आज़ादी? ये बेचारी हाशिम भाई से अकेले में बात तक नहीं कर सकती, मेरा कॉलेज जाना बंद कर दिया, और इसको तो जॉब भी नहीं करने देते, और मैं तो अकेले कहीं जा ही नहीं सकती, ये कैसी आज़ादी है अम्मा भी? अच्छा भाई अगर अब इन मसलों पर हम बात करने बैठ गए ना तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बस मैं तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि हुसैन आरा और जहां आरा ने बहुत सख्तियाँ देखी हैं। अल्लाह बख्शे इनके अब्बा इन पर बहुत सख्ती करते थे, यहाँ तक के इनको डाइजेस्ट पढ़ने की या शायरी पढ़ने की इजाज़त ही नहीं थी। अब 16 साल की थी जहाँ आरा जब उसकी शादी कर दी गई, और शादी के बस एक साल के बाद दोनों माँ बाप एक ट्रेन के हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। और तब न तुम्हारा बाप हुसैन आरा को बहन बनाकर इस घर में ले आया, 16 साल की थी बस वो। लेकिन अम्मा भी क्या आरा शुरू से इतनी बदमिजाज और लड़ाका थी? अरे नहीं कहां से, वो तो इतनी खुश अखलाक, ऐसी चुलबुली, ऐसी हसमुख, सबका ख्याल रखने वाली थी। बस जब इसे आई हमारे घर पे तो हमने इसकी बात पक्की कर दी अजीम के साथ, सब कुछ ठीक था। अजीम ने कहा कि मैं तो देर से शादी करूंगा, फिर वो चला गया बाहर। बस तब से हुसैन आरा कुछ उदास उदास सी रहने लगी, फिर चिड़चिड़ी होने लगी, और अब जून जून वक्त गुजरा उसका चिड़चिड़ापन और ज्यादा बढ़ गया। बाकी सब तुम्हारे सामने। लेकिन अब तो चाचू भी आ गए, अब वो क्यों नहीं बदलती हैं? बेटा कुछ वक्त लगेगा, बस इन बातों को तुम अब दरगुजर कर दो। और हुसैन आरा तो अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। ठीक है अम्मा भी, अब आपने इतनी अफसुर्दा कहानी सुनाई है तो जाने देते हैं। अम्मा भी हम तो हर बार उनकी ज्यादतियां भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बदलती। लेकिन खैर अब आपने बोल दिया है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। शाबाश मेरी प्यारी शहजादियाँ। अच्छा मेरी जान ये बताओ कि कॉलेज जाने से क्यों मना किया?
वो अम्मी ने मना किया था, मैं घर के काम नहीं करती थी ना, इसलिए। माँ है वो तुम्हारी, और माँ की डांट सरमाया होती, कहना मना करो उसका। कर लिया करूंगी काम, लेकिन आप अम्मी तो समझाया करें ना, हमें ज्यादा डांटा नहीं करे, बहुत डांटती है। नहीं डांटा, हाँ ना, तुम काम कर लिया करो। हाँ अब ये देखो, ये भी कह रही है काम करना जरूर, जैसे मुझे कह रही हो ना, आरा को कह के दिखाओ इस तरह। बस अब आरा की बात हो गई खत्म। हाय बे राजदास, मैं चंदे आफ्ताब चंदे महताब, तो गजब ढा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे चांद उतर आया हो नीचे। चांद क्या बेचते हैं हमारे आगे? अच्छा भाई वाह, ये हमारी बेगम आज और ऊपर से आ रही है हम पे, है कहाँ जाने का इरादा है, किसको कत्ल करना है? अरे कहीं नहीं जाना, बस ऐसे ही कपड़े ट्राई कर रही थी। अच्छा ये बताइए, ये ठीक है या वो पिंक वाला ट्राई करो? मेरे हिसाब से तो आप जो भी पहन ले आप पे सच जाता। प्लीज बताइए ना, अगर ये ठीक है तो फिर इसी को ओके करती हूँ। भाई जो आपने पहना है यही मुनासिब लग रहा है और यही बेहतर है, इन सब कलर से तो ये ज्यादा अच्छा है। डन हो गया। वैसे पहले तो मेरा दिल चाह रहा था कि नया जोड़ा खरीदूं, फिर मैंने सोचा कि क्या जरूरत है हुसन आरा के निकाह में इतनी फजूल खर्ची करने की। अपने दिल के सारे अरमान जो है ना, अपने बेटे की शादी में पूरे करूंगी। सजीब बात है, बेटी की शादी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे अपनी शादी याद आ रही है जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा। सजीवी थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी, चांद जैसा वो खड़ा, तुम पे से नजर ही नहीं हटती थी। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें गाना भी सुनाया था? बिल्कुल यार। कौन सा गाना था? चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम्हें खुदा की कसम लाजवाब हो। तो आज भी शर्म आती है वैसे अपनी तारीफ सुन के। हाँ ना, सच बताऊं, जब कोई शौहर अपनी बीवी की तारीफ करते हैं ना, तो वो खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत समझती। शौहर की तारीफ औरत की जिंदगी बढ़ाती, उसे कभी बूढ़ा नहीं होने देती, उसमें इतना कॉन्फिडेंस लाती है कि उसे दुनिया की हर शय खूबसूरत लगने लगती, और फिर वो हमेशा खुश रहती है। अरे भाई हम भी तो यही चाहते हैं कि आप हर वक्त खुश रहें, हर लम्हे खुश रहें, बहुत खुश रहें। तो बस आप इसी तरह हमारी तारीफ करते रहें और हम खुश रहेंगे। तो जनाब गुलाम हाजिर है और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आपकी तारीफ के कसीदे पढ़ता है। अल्लाह पाक आपका साया हमेशा मेरे सर पर सलामत रख। मैं तो बस ये दुआ करती हूँ कि मेरे आखिरी लम्हात में भी सिर्फ और सिर्फ आप ही हो मेरे पास। हमारी दुआ है कि जन्नत में भी अल्लाह पाक हमें हमारी बेगम ही दे, हम उसी के साथ वहां जीना चाहते हैं। चेंज करके आते हैं, उनको भी उठा दे समीर, ये ओके हो गया है तो। मैं क्या कहने आया था, वो तो भूल गया राजदा। हेलो आशिम, कैसे हो यार? मैं बिल्कुल ठीक। यार तुमने वो प्रेजेंटेशन ईमेल करनी थी, अभी तक की नहीं तुमने? आई एम सो सॉरी यार, वो तुम्हें पता तो है घर पर शादी का सीन है, तो उन्हीं हंगामों में फंसा हुआ था, माजमी से बात नहीं हो सकी। बस फ्री हो जाऊं तो मैं बनवा देता हूँ, देख लो वो बना लेगी। आई मीन डज शी हैव द पोटेंशियल टू मेक अ गुड प्रेजेंटेशन? नहीं, आई एम श्योर शी कैन डू इट। देखो बात यह है कि जिस तरह से वो अब्बा मियाँ अब्बू और चाचू को समझती है ना, और कोई नहीं समझता। Alright, I trust you, ma'am. अच्छा listen, ये सब तो चलता रहेगा लेकिन तुम शादी में आना मत बोलना, ठीक है? पहुंच जा। इंशाल्लाह काम भी हो जाएगा हमारा और हम सबको राजी कर लेंगे पार्टनरशिप के लिए। ठीक है। जहानारा कहाँ रह गई भाई? आ गई बस आप ही के लिए चाय बना रही थी।
एक तो एक कप चाय बनाने में आधा घंटा लगा देती। नहीं, मैं क्या करती, गैस ही कम आ रही थी। लो जी, हाँ हाँ, तुम्हारे बहाने तो हर वक्त तैयार रहते। मैं भला बहाने क्यों बनाऊंगी, मैं तो सिर्फ आपके लिए चाय बना रही थी और साथ में साबिर भाई का गाना भी सुन रही थी जो अपनी बेगम के लिए गा रहे थे। क्या मतलब, बंद दरवाजे के बाहर कान लगाकर खड़ी थी तुम? मैं क्यों कान लगा के सुनूंगी, वो तो गाय इतना जोर जोर से रहे थे कि बाहर तक आवाज आ रही थी। एक बात बताओ, ऐसी छिछोरी हरकत ऐसी उम्र में क्या जेब देती है? अपनी बीवी की तारीफ करना, उसे प्यार जताना कोई बुरी बात तो नहीं है, और प्यार तो हर उम्र में जताना चाहिए। बस एक आप ही हैं जिसने कभी अपनी बीवी से किसी भी उम्र में प्यार नहीं जताया। शुरू हो गई तुम्हारी शिकायत। वैसे कौन सा गाना गा रहा था? चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। रहने दो रहने दो, खामखा अपने गले को क्यों तकलीफ दे रही हो? वैसे मुझे ना ऐसा लगता है कि ये गाना किसी औरत ने किसी मर्द के लिए लिखा हो, क्योंकि इस किस्म का गाना किसी खातून के लिए तो लिखा जा ही नहीं सकता। चलो, आपने तो गाने में ही नुक्स निकाल दिए। अच्छा यार, ये फिजूल की बातें छोड़ो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। बोलिए, क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि अजीम आखिर करना क्या चाहता है। क्या मतलब है आपका? जाने कौन सा खेल खेल रहा है। कोई बात हुई आपकी उससे? तुम्हारी कोई बात हुई है उस नार से इस सिलसिले में? अजीम ने उससे कुछ कहा? नहीं तो, बल्कि अजीम तो जब से आया है तब से हुसैन आरा से बहुत दूर दूर भाग रहा है। मैं हुसैन आरा से शादी नहीं करूंगा। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम मेरी बहन की बात कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। हरगिज नहीं सुनते। छोड़ो, अरे मैं कह रहा हूँ छोड़ो। छोड़ो यार, मैं कह रहा हूँ ना, क्या हो गया तुम्हें? उसने तो अभी तक उस बेचारी से उसकी खैरियत तक भी ठीक से नहीं पूछी है। उस दिन ऑफिस में अजीम से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था मेरा। क्या? पर क्यों? हाँ भाई, अब बात निकल आई है तो खैर। शमीम, ये बात तो उसने आरा नहीं सह पाएगी, वो तो मर जाएगी। मैं अभी से बात करके आ रही हूँ। तुम उससे कुछ नहीं कहोगी? शमीम, मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगी, उसके पैर पढ़ लूंगी अपनी बहन की खुशियों की खातिर, भीख मांग लूंगी उससे। इस बार मेरी बहन ये सब नहीं झेल पाएगी, वो वाकई मर जाएगी। मैंने कहा ना, तुम कुछ नहीं कहोगी। देखो, निकाह सर पर है, अभी तक उसने अम्मा भी से भी कुछ नहीं कहा, तो मेरी तो समझ भी नहीं आ रहा आखिर वो चाहता क्या है। वो तो कुछ भी नहीं कह रहा है, ये भी तो हो सकता है कि गुस्से में कहती हो। मैंने कहा ना, कुछ समझ भी नहीं आ रहा वो क्या चाहता है, क्या कर रहा है। बस तुम फिलहाल हुसैन आरा से कुछ मत कहना, क्या पता वो अपना इरादा बदल दे। अजीम बेटा, अभी तक तैयार नहीं हुए हो तुम? अरे भाई, तैयार हो जाओ जल्दी, जमात का वक्त हो रहा है, सबको जाना है नमाज के लिए। वो मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी थी। अब क्या बात करनी है तुमने? खैरियत तो है ना?
मैं ये शादी नहीं कर सकता। वो क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अनाप शनाप बके जा रहे? देखो अजीम, तुमने जितना हमें परेशान करना था ना, तुमने कर लिया है। अब अगर तुमने कोई भी ऐसा फैसला हमें सुनाया जिससे हमें परेशानी होगी या तकलीफ होगी, तो याद रखना, मैं मरते दम तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। बस अजीम, अब और कोई बात हम नहीं सुनना चाहते। तो गई है, चलो मैं वजू करके आता हूं। अब्बा मियां, यार को बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब से देख रहा हूं वही खड़े हो, कर लो यार कोई काम। चार लगानी है ना एक साइड पे। क्या कर रहे हो तुम? जाओ आराम करो थोड़ी देर, सुबह से लगे हुए हो। वाह मबी, और मैं जो सुबह से मजदूर बना हुआ वो कुछ नहीं है। ऐसे सही बात है, जो पहली औलाद होती है वो पूरे खानदान को बहुत पसंद होती है। शट अप, दादी से ऐसे बात कर रहा, इल्जाम लगा रहा? वो सबको बराबर चाहती है। बहुत मजे की मक्खन मलाई वाली चाय बनाई। संभल के गिर जाएगी अभी। ये ले अम्मा, भी आपके लिए। शुक्रिया बेटा, जीती रहो। और ये मेरी प्यारी अम्मी के लिए इलायची वाली चाय। ये ले। वाह अम्मी, आज तो आप सबसे पहले तैयार होगी और इतनी प्यारी भी लग रही हैं आप। अच्छा, अब ज्यादा मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अच्छा, बस अब जाने भी दो। इतनी पाबंदियां लगाओगी इसके ऊपर तो ये अपने आप को कैदी समझने लगेगी। कैदी नंबर एक, हाजिर हो। कैदी नंबर दो जेल तोड़ के भाग गया। आप लोगों को मैंने इतनी अच्छी चाय बना के दी है और आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची को तंग किया। थोड़ी सी सेंसिटिव है, बड़ी होते होते ठीक हो जाएगी। अरे लो, अब तो इतनी बड़ी हो गई है ये, इसकी तो अब शादी करने का वक्त आ गया है। खुदा के लिए अम्मा भी, अब इन बच्चों की शादी आप हमारी तरह 16 साल की उम्र में ना करा दीजिएगा। कम से कम 24-25 साल के हो जाए फिर सोचे। खुदा के लिए चाची जान, रहम करें हाशिम भाई पर। अब क्या मजीद इंतजार करवाना है आपने इन्हें? इंतजार मुझसे तो नहीं होता, मैं सोच रहा हूँ कि इससे पहले अजीम जाए इनकी शादी कर ही दूं। अजीम, अजीम कहाँ जा रहा है बेटा? कहाँ जा रहा है मेरा अजीम? वो अब क्या बात है साबिर भाई, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, कहाँ जा रहे हो? नहीं, मेरा मतलब है जब उसकी शादी होगी तो हनीमून पे तो जाएगा ही ना अपनी बीवी के साथ, तो इसलिए मुंह से निकल गया। शुक्र है, तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया कि मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ जा रहा है। बिल्कुल, मेरी भी जान निकल गई थी। चले चलो, जल्दी जल्दी काम खत्म करो, जो कुछ भी करना है, और भी बहुत सारी चीजें देखें। आप अंदर बैठे, अम्मा भी हम करके आते हैं। मुझे तो चाहिए, मेरे लिए भूल गई वैसे। ले आना एक कप प्लीज। अबू आप भी बैठे ना अंदर। नहीं मैं ठीक हूँ, देख लूँ जरा इंतजाम। खाने वाले से हुई थी बात? जी हो गई। कब तक आएगा? 7 बजे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। जानती हो इस दिन के लिए मैंने कितनी दुआएं मांगी, पर आखिरकार ये दिन आई है। वसुनारा, तुम तो जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें सगी बहन से ज्यादा माना है। मुझे पूरा यकीन है अगर मेरी कोई बहन होती ना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। मैंने भी अब आपको अपने सगे भाई से ज्यादा चाहा है भाई साहब। देखो सुनारा, आज तुम एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रही हो।
अगर मुझसे या इस घर के किसी भी फर्ज से कोई ज्यादती हुई हो तो माफ कर देना। और अपनी नई जिंदगी में कदम रखना। ठीक कह रहा है शमीम। हुसनारा और जहानारा दोनों को इस घर में लाने से मेरी बेटियों की कमी पूरी हो गई। बस दुख ये था कि हुसनारा को अपनी बहू नहीं बना सकी, पर इंशाल्लाह आज ये खुशी भी मिल जाएगी। हुसनारा, अजीम ने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया है, सारी जवानी तुम्हारे उसके इंतजार में गुजर गई है, मगर बेटा अब तुम्हें इस सबर का फल मिल रहा है। पुराने दौर को भूल जाओ और अपनी खुशियां समेट लो, इस घर को खुशियों का गहवारा बनाओ। हुसनारा, मेरी दूसरी बहुओं की तरह से अब तुम पर भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। क्योंकि बेटा अब तुम बेटी से बहू का सफर तय कर रही हो। आप लोग बेफिक्र हैं, मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी खुश असलूबी से निभाऊंगी। इंशाल्लाह। जीती रहो बेटा। अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। यार वो दो चेयर्स इधर ले आना। हाँ उधर मत रखना। हेलो आदि, कहाँ रह गया यार? रहने का बहाना बना के गया था, अभी तक आया ही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। हेलो, हाँ आ रहा है ना? मजाक कर रहा हूँ, जल्दी आ जा, वेट कर रहा हूँ मैं। ओके यार, इस टेबल को मैंने कहा था आपने उधर लगाना है। आप कयामत लग रही हूँ आज तुम्हें। या अल्लाह तेरा शुक्र, आज ये दिन मुझे देखना नसीब हुआ। आखिरकार वो सुनारा अजीम की दुल्हन बनी गई। अरे हुसनारा, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हें नजरबद से बचाए। पता है आज मैं बहुत खुश हूं, अगर आज अम्मी अब्बू जिंदा होते तो वो भी कितने खुश होते। काश काश वो लोग जिंदा होते। मुझे यकीन है वो जहां भी है हमारी खुशियां उन तक पहुंच रही हैं, और वो भी खुश होंगे आज। अच्छा तुम बस तैयार हो ना, मैं जरा मेहमानों को देखूं, मेहमान आना शुरू हो गए। ठीक है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। वो तो मुझे मालूम है, फिर चार आपका सबका उतारू उतारू। तो फिर किस चीज की देर है? ये हल्ला नहीं कर सकता ना, आई थिंक ऐसा वाला करना चाहिए। एक हफ्ता निकल गया, एक
तीन आएगा, नहीं फकीर को दूंगा मैं। कभी हमारी भी नजर उतार दिया करें हाशिम भाई। तो बड़ी बात किया आपने, आपके साथ कभी दे देते हैं। रेडी वन टू थ्री आएगा, नो फकीर को देने होते हैं। हाशिम, ये मेरे बड़े भाई हैं हाशिम, और ये मेरी कज़न है और होने वाली भाभी हैं माजबीन, और ये मेरी एक और कज़न है मानूर। लाहलूर, नाम तो बहुत प्यारा है। इनसे कब दोस्ती हुई तुम्हारी? वो मैंने बताया था ना, एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल गया था, तो ये उनके दोस्त हैं। आया, थैंक यू फॉर कमिंग, यू आर वेलकम। बिल्कुल ठीक, तुम बताओ? आई एम गुड, थैंक यू फॉर कमिंग। यार कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। एवरीवन दिस इज हारिस कासिम, ये हारिस हैं, कुछ ऐसे पहले ही कराची शिफ्ट हुए हैं। और सब कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और ये मानूर और ये मेरी मंगेतर माजबीन। जी माजबीन, एंड दिस इज हारिस माय डियर फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर, लवली टू मीट यू ऑल। या भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आधा काम टाइम पे हो गया। आप ये जो कासिम और हाशिम है ना, इन्होंने सब कुछ किया, उन दोनों ने अपने हाथों से सब कुछ सजाया माशाल्लाह। और शाम से हुसैन आरा भी तैयार है। वैसे काजी साहब अभी तक नहीं आए? अरे साबिर गया है ना लेने के लिए। अरे अजीम कहाँ है? जरा उसे फोन करो ना, बुलाओ उसे, उसे को जल्दी आ जाए, इतनी भी क्या तैयारी कर रहा है वो। अरे साबिर तुम यहाँ पर हो तो काजी साहब को लेने कौन गया है? अजीम गया है ना। अजीम? क्या अजीम? साबिर भाई बड़ी अजीब बात है, मतलब दूल्हा खुद काजी साहब को लेने गया, पर आप जाने वाले थे ना? जी भाई मैं ही जाने वाला था, मगर उसने जिद बहुत की, कहने लगा मैं ले आता हूँ, आप तैयार हो जाए तो मैं तैयार होने अंदर आ गया। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़े नालायक हो तुम। देखो पहले बताओ, जाओ फोन करो अजीम को, फौरन आए। इतने लोगों से मिलवाना है उसे, सालों के बाद तो वो आया है। जाओ और बोला। अच्छा अपना मूड मत खराब करें, बाहर लोग आ रहे हैं, उनका इस्तकबाल करना है, चलिए आइए। आए 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 बमी, चलो जल्दी फोन करो। मोहब्बत पे ये सब करना पड़ता है, और वैसे सच बताऊं तो ये दोस्ती आपकी वजह से नहीं हुई, वो तो जब मुझे पिन लोकेशन मिली तब पता चला ये कासिम का घर है। मानूर बेटा वो आरा को लेकर आओ, देर हो रही। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यार हाशिम तुम्हारी फैमिली से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। टू बी ऑनेस्ट ये जॉइंट फैमिली सिस्टम का रुझान आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रही, हालांकि यही सबसे खूबसूरत चीज़। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आरिस,
फैमिली का कोई नियम बदल नहीं, इट इज अ ब्लेसिंग एंड आई एम ग्लैड यू हैव दिस ब्लेसिंग ब्रो. थैंक यू. माशाल्लाह मुबारक हो आपके बेटे के आने की और इस खुशी की. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. काफी देर से करवा रहे हैं आप अपने बेटे की शादी. अरे बहन, ये तो सब अल्लाह के फैसले होते हैं, इंसान का इसमें कोई हाथ नहीं होता. अजीम नजर नहीं आ रहा. अजीम, ये मेरी बीवी मार गया और ये मेरी बेटी आयशा, मेरा बेटा सुमीर. अब क्या करना है, सब लोग देख रहे हैं. क्योंकि मैं ग्रीन हूं.